My dear friends, as you know, the whole country and almost the whole world is affected by COVID-19 pandemic. All schools and colleges are closed according to government order. Therefore, in these circumstances, online teaching is necessary. We should also take interest seriously in these online classes for completing the syllabus on time. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, पूरा भारतवर्ष और करीब करीब पूरा संसार आजकल कोरोना वायरस से ग्रस्त है, यानी कि COVID-19 नाम महामारी से ग्रस्त है। और ऐसी दशा में ऑनलाइन टीचिंग बहुत ही आवश्यक हो गई है। और जो आपका पाठ्यक्रम है, कोर्स है, वह समय से पूरा करने के लिए ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन क्लासेस बहुत आवश्यक हो गए हैं। अतः आप लोगों को भी ये सुझाव दिया जाता है कि आप लोग भी इन ऑनलाइन क्लासेस को गंभीरता से लें और इसका लाभ उठाएं, ताकि आपका कोर्स समय से पूरा हो। Today, I want to teach you the first chapter of physics. The teaching points are as follows. आज हम आप लोगों को फिजिक्स पार्ट वन का पहला चैप्टर बताएंगे, समझाएंगे, दिखाएंगे। और उस चैप्टर को पढ़ाने के लिए जो टीचिंग पॉइंट्स आवश्यक होंगे, उनके नाम इस प्रकार है। पहला, इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर। सेकंड टीचिंग पॉइंट, नॉलेज ऑफ चैप्टर। थर्ड टीचिंग पॉइंट, प्रॉब्लम्स ऑफ चैप्टर। इस चैप्टर को कायदे से अच्छी तरह से समझने के लिए इन तीन टीचिंग पॉइंट्स का सहारा लेना पड़ेगा। पहला टीचिंग पॉइंट्स है इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर, दूसरा टीचिंग पॉइंट है नॉलेज ऑफ चैप्टर, और तीसरा टीचिंग पॉइंट है प्रॉब्लम ऑफ चैप्टर। पहले टीचिंग पॉइंट के तहत हम आपको चैप्टर के बारे में स्पष्ट रूप से बता देंगे, चैप्टर का मतलब, इससे आपको चैप्टर के बारे में आइडिया। दूसरे टीचिंग पॉइंट के तहत हम आपको यह बता देंगे कि चैप्टर के जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स क्या हैं, जिसके तहत इस चैप्टर की जानकारी प्राप्त करनी है, उनके नाम बताए जाएंगे। और थर्ड टीचिंग पॉइंट क्या है, जो हर टीचिंग, हर टॉपिक्स, जो हर टॉपिक है, उसके तहत क्या क्या समस्याएं चैप्टर में आती हैं, उसके बारे में जानकारी हासिल की जाएगी। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट टीचिंग पॉइंट, वी विल नो द क्लियर कंसेप्ट अबाउट द नेम ऑफ चैप्टर। इन अदर वर्ड्स, वी विल नो अबाउट द इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स। दो पहला टीचिंग पॉइंट्स है, उसके तहत हम फिजिक्स पार्ट वन के पहले चैप्टर की मीनिंग जानेंगे, और वो पहले चैप्टर का जो नाम है उसका, वह नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स। इस पॉइंट के तहत, फर्स्ट टीचिंग पॉइंट के तहत, हम इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या मीनिंग होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या मीनिंग है, यह हम जानेंगे अंग्रेजी में भी और हिंदी में। इलेक्ट्रो स्टैटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स द स्टडी ऑफ फोर्सेज, फील्ड्स एंड पोटेंशियल्स अराइजिंग फ्रॉम स्टैटिक चार्जेस। सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड्स को जानने से पहले हम ये जान लें कि जो यह दो चीजें हैं, भौतिक विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत हम इसको पढ़ते हैं। तो भौतिक विज्ञान की एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच है, उसी इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच के तहत हम इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो आप लोग जान गए होंगे कि कौन सी ब्रांच है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उस ब्रांच का नाम। जैसा कि हम तमाम भौतिक विज्ञान के ब्रांचेज होती हैं, जैसे थर्मोडायनेमिक्स है, ऑप्टिक्स है,
इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिज्म है, उसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी भौतिक विज्ञान की बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रांच है, जिसके तहत हम इलेक्ट्रिक चार्जेज और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। अब आइए हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। मतलब विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज माने होता है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश किसी भी पदार्थ का एक गुण होता है, प्रॉपर्टी गुण होता है। और यह कैसे उत्पन्न होता है और क्या कार्य करता है, कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, ये सब हम जानकारी हासिल करें। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे उत्पन्न होगा, कैसे फ्लो होगा और उसका क्या प्रभाव होगा, ये सब जानते हैं। दूसरा चीज है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज दैट फील्ड वेयर वी फील द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब वह क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र, वह जगह है, वह क्षेत्र है जहां पर हम विद्युत आवेश की उपस्थिति का अनुभव करते हैं। जिस जगह हम विद्युत आवेश की उपस्थिति का अनुभव करते हैं, जिस क्षेत्र को, जिस क्षेत्र में, वही इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। अब आते हैं हम सेकंड टीचिंग पॉइंट के अंदर। अकॉर्डिंग टू सेकंड टीचिंग पॉइंट वी विल नो द नेम ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ रिलेटेड चैप्टर। द नेम ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ रिलेटेड चैप्टर आर एज फॉलो। दूसरा टीचिंग पॉइंट जो है उसके तहत हम फर्स्ट चैप्टर के जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उनके नाम जानेंगे, और उनके नाम जान लेने से उस पूरे चैप्टर की एक समरी हमारे दिमाग में सेट हो जाएगी, और उस टॉपिक्स के द्वारा ही हम जान जाएंगे कि इस चैप्टर में मुझे क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या हम अपने दिमाग में याद करना है। तो जो अनेक नाम हैं पहले चैप्टर के टॉपिक्स के वो इस प्रकार है। फर्स्ट टॉपिक है, द फर्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। द सेकंड टॉपिक इज कूलॉम्स लॉ। द थर्ड टॉपिक इज गैस गॉस लॉ। एंड फोर्थ टॉपिक इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। एंड फिफ्थ टॉपिक इज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एंड सिक्स्थ टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए चार्ज कॉन्फिगरेशन। एंड सेवेंथ टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड्स। ये सात टॉपिक्स हैं जिनके नाम आपको याद रखने चाहिए। इन्हीं टॉपिक के बारे में बारी बारी से हम जानकारी हासिल करेंगे, यानी कि इनकी हम डिफिनीशन जानेंगे, उस डिफिनेशन का मतलब जानेंगे, और इस तरह से हम क्रमशः इस पूरे चैप्टर की जानकारी इन टॉपिकों के द्वारा हम सिस्टमेटिक ढंग से हासिल करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो द क्लियर कंसेप्ट अबाउट दीज टॉपिक्स, एंड आफ्टर दैट वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स। मतलब यह है कि इन टॉपिक के बारे में हम क्लियर कंसेप्ट जाने क्रमशः, ताकि यह चैप्टर हमको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो पहला टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करना चाहते हैं, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस कितने प्रकार के होते हैं यह जानना है टॉपिक वन के तहत। फर्स्ट नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड सेकेंड पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रॉन हैज द नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज एंड प्रोटॉन हैज पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। कूलाम इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। पहला टॉपिक है जिसके तहत हमको यह जानना है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग जान लें कि इलेक्ट्रिक चार्जेस दो प्रकार के होते हैं।
negative electric charge or positive electric charge. Negative electric charge के लिए इलेक्ट्रॉन है और पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए प्रोटॉन है. बिकॉज इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज एंड प्रोटॉन है पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, और चाहे वो नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज हो चाहे पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज हो, उसके लिए जो पूरे विश्व में यूनिट निर्धारित की गई है उसे हम कूलाम कहते हैं. कूलाम कौन थे? कूलाम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रिक चार्जेस की खोज किया था, उन्हीं के नाम पर चार्जेस की जो यूनिट रख दी गई उसको हम कूलाम्स कहते हैं. अब आते हैं हम सेकेंड टॉपिक पर, उसका नाम है कूलाम्स लॉ. कूलाम्स लॉ के लिए हम बताते हैं द म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 is proportional to the product of Q1 and Q2 and inversely proportional to the square of the distance between these two point charges. ये कूलाम्स लॉ है जिसको हम ऐसे समझें. कूलाम्स ने कहा था कि जब दो चार्जेज हों और उनके बीच में कोई सर्टेन डिस्टेंस हो, पहले चार्ज को यदि हम Q1 बोलते हैं, दूसरे चार्ज को हम Q2 बोलते हैं, और उनके बीच जो डिस्टेंस है R है, तो दोनों चार्जेज के बीच जो फोर्स लगेगी उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए कूलाम ने एक फार्मूला दिया जिसको हम कहते हैं कि F इक्वल टू K एब्सोल्यूट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर. F इक्वल टू, फिर से सुनिए, F इक्वल टू K एब्सोल्यूट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर. यह जो है कूलाम्स के द्वारा दिया गया फार्मूला है, और इस फार्मूले के तहत दो डिफरेंट चार्जेज के बीच क्या फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है उसको ज्ञान उसको निकालते हैं. R जो है उन दोनों चार्जेज के बीच की दूरी है, डिस्टेंस है. इन दिस फार्मूला K इज कॉन्स्टेंट एंड द वैल्यू ऑफ K इज 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर चार कूलाम C⁻². इसमें जो यह फोर्स है, आर डिस्टेंस है, Q1 और Q2 जो है चार्जेज हैं, और K है एक फिजिकल कॉन्स्टेंट है जिसकी वैल्यू 9×10⁻⁹ होती है. थर्ड चैप्टर है गॉस लॉ. अब जैसे हम कूलाम्स लॉ पढ़े हैं वैसे थर्ड टॉपिक जो है वो गॉस लॉ पर है. गॉस लॉ के बारे में सुनते हैं. द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू एनी क्लोज सरफेस यस इज 1/ सिग्मा 0 टाइम्स द टोटल चार्जेस इनक्लोज्ड बाय यस. दिस लाइज स्पेशली यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ई व्हेन द सोर्स डिस्ट्रीब्यूशन हैज सिंपल सिमेट्री. मतलब यह है कि जो तीसरा टॉपिक है वो गॉस लॉ के बारे में है, और गॉस लॉ के बारे में हम लोगों ने अभी देखा है इसकी खोज गॉस नामक वैज्ञानिक ने किया था. और दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द चैप्टर विल बी टॉट ऑन नेक्स्ट टर्म्स. My dear students, you should write the written matters in red color with the help of your smartphone or with the help of your laptop or with the help of your tablet. In your notebook, for improvement of your spellings. After that, you should also try to solve the MCQ and worksheet provided by your school. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको चाहिए
या आप अपने घर पर जो स्मार्टफोन है या टैबलेट है या लैपटॉप है उससे आप इसकी स्टडी करें टीचिंग मटेरियल को, और उस टीचिंग मटेरियल में जो रेड कलर की जो वह टीचिंग मटेरियल है उसे आपने नोटबुक में अवश्य नोट करें, और जो एमसीक्यू दिए जा रहे हैं, वर्कशीट दी जा रही है, उसे ऑनलाइन मेथड से सॉल्व करें। योर सोल्यूशन शुड बी ऑनलाइन मेथड विद द हेल्प ऑफ योर स्कूल ऐप। आपका जो सोल्यूशन होना चाहिए वो ऑनलाइन मेथड से होना चाहिए। तो शुड ऑल्सो सॉल्व दीज क्वेश्चंस इन योर होमवर्क नोटबुक फॉर इंडियन पर्पस। एमसीक्यू और वर्कशीट सॉल्व करने के बाद जो एक अलग से नोटबुक में भी इसे सॉल्व करें ताकि वो आपको रिवीजन के लिए काम देगा, और उस नोटबुक को बार बार आप जब पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। माय डियर स्टूडेंट्स, स्टे एट होम, बी सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस एंड स्टडी विथ केयर। वेरी मच, थैंक यू।